BTS के मेंबर जिमिन और जंगकुक का शो आर यू श्योर काफी फेमस हो रहा है। इतने टाइम बाद BTS के आइडल्स को इस तरीके से एंजॉय करते देखकर, ट्रेवल करते देखकर आर्मीज काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन रिसेंटली BTS के मेंबर्स के इस एपिसोड में एक ऐसा इंटीमेट सीन देखने मिला है जिसको देखने के बाद आर्मीज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। और दोस्तों ट्रस्ट मी, आपको भी एक बार सुनकर तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिन आर्मीज ने इसकी क्लिप देखी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि BTS के मेंबर्स सालों से एक साथ रह रहे थे और कई बार उनके लाइफ में ऐसी कंडीशंस भी आई थी जब उनके पास सही से रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो BTS के मेंबर्स एक दूसरे को हग करके या फिर काफी क्लोज होकर तो हमेशा से ही सोते थे, लेकिन अब BTS के सभी मेंबर्स के अपने अपने घर हैं, काफी लग्जूरियस फ्लैट्स हैं जहाँ पर वो अपनी सोलो लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन आर यू श्योर के इन एपिसोड्स में फिर से देखा गया कि जंगकुक और जिमिन के बीच में कितनी खास बॉन्डिंग है। और एक एपिसोड में तो जंगकुक जिमिन को काफी टाइटली हग करके सो रहे थे जिसको देखने के बाद आर्मीज काफी शॉक्ड हो गई। यही नहीं बल्कि क्लिप थोड़ी सी ब्लर है तो कई सारे लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे कुछ और भी राज है। तो एक क्लिप काफी वायरल हो रही है जहां पर जंगकुक और जिमिन एक दूसरे को हग करके रात में सोए हुए थे और हमारे जंगकुक ने जिमिन को काफी ज्यादा टाइटली हग किया हुआ था। कई सारे लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस सीन में जंगकुक ने जिमिन को बैक साइड पे छोटी सी किस भी करी और कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सीन है ये कुछ और ही है। भले ही कई सारे आर्मीज को लगता हो कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जंगकुक शिपर्स अपने इस बात पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसा ही है और ये डेफिनेटली इस बात को प्रूव करता है कि जंगकुक की शिप रियल है। वैसे तो अब इस शो में नेक्स्ट एपिसोड से वी भी आ जाएंगे और तीनों की केमिस्ट्री देखने वाली होगी, लेकिन कई लोगों का कहना है कि नहीं, इस एपिसोड में तो जंगकुक और जिमिन के बीच में कुछ चल ही रहा था। कई लोग तो इस क्लिप को इसी नाम से वायरल कर रहे जैसे वो कहना चाहते हो कि जंगकुक ने सच में जिमिन को किस ही कर लिया था। और दोस्तों कई सारे लोग इस एपिसोड को बहुत ज्यादा वायरल भी कर रहे हैं। कई आर्मीज का कहना है कि ये लोगों की बस इमेजिनेशन है, जंगकुक शिपर्स जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हैं और BTS की इमेज को खराब कर रहे हैं। लेकिन वही पर कई सारे जंगकुक शिपर्स इस बात को लेकर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जो वो कह रहे हैं वही सच है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपका इस क्लिप को लेकर क्या कहना है। क्या आपको भी इस क्लिप को देखने के बाद लगता है कि सच में यहाँ पर कुछ चल रहा था या फिर ये उन जंगकुक शिपर्स की इमेजिनेशन है? और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे सबसे फनीएस्ट चैनल एडूफैक्स रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए दिया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।